निर्मल सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कच्चा करम चले पकाने का निर्मल सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एक्शन शर्मा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरियल एक्शन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एक्शन तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल। हमारे कच्चे कर्मचारी ड्यूटी नंबर 3 मिल रही है, सारा कुछ चाहिए। 3 नंबर ड्यूटर के हमारे साथ ही कई दिनों से परेशान है, 1-2, 4 महीने से तनख्वाह नहीं आ रही। एक दूसरा तरफ से ये 180 कर्मचारी आए, इनका ESI ETF काटना बंद कर दिया, पहले कटता था पहले कटता था, जबकि हेडक्वार्टर के हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, लेटर हैं, बिल काट के चाहिए। 21,000 रुपये जिसकी तनख्वाह होगी उसका बंद कर दिए, उसके नीचे का कोई भी साथी है उसका कटेगा। और हम सिर्फ एक डिवीजन नंबर 3 की बात नहीं करके, हम पूरे सिरसा जिला में डिवीजन सब डिवीजन और डिवीजन में कट रहा है, सब में कट रहा है। ये नहीं पता हमारे को, हमारे दिन की बात है, मांग को लेके आए पता नहीं हमें उनका, लेकिन हमारे साथ जो हमारे पास है उनका ESI पहले कटा था, इसके आने के बाद भिजवाया, सब ऊपर से कोई लेटर है तो बंद कर दे। लेकिन तुगल की फरमान जारी करके और हमें कर रहा तनख्वाह मेरे दो बेटों को दे रहा। क्यों भाई, जहाँ ड्यूटी रमेश करे तो उसकी हाजिरी लगनी निश्चित होनी चाहिए। जिस ट्यूबल में जिस कर्मचारी से कर रहा है, बैठो सारा बैठो, खाना बैठ जाओ, बैठो भाई, बैठो भाई, बैठ जाओ। तहसीलदार साहब मध्यस्थता करने आए हैं, तहसीलदार साहब के बस की बात पहुंची है, हमारे अधिकारी हैं। सुनो ये मैं राजेश बाकर, जिला शिवसराव कर्मचारी संघ से। जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी लगातार काफी दिनों से धरना देकर के बैठे हैं। सर्व कर्मचारी संघ के मामला संज्ञान में आया, आज हमने घेराव का यहाँ प्रोग्राम रखा है। सवाल इस बात का है कि इन कर्मचारियों को 6-6 महीने से वेतन नहीं मिल रहा, आउटसोर्स पे कर्मचारी लगे हुए हैं और जो कर्मचारी लगे हुए उनका EPF और ESI नहीं कट रहा। लगभग 3-4 महीने से ये कर्मचारी काफ़ी परेशान है, इसी बात को लेकर के इन्होंने मापड़ाव डाला है। एक्शन की तानाशाही यहाँ दिखाई दे रही है, जिसको लेकर के सर्व कर्मचारी संघ कड़े शब्दों में निंदा करता है। हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि इनकी समस्या का समाधान हो। अगर इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो पूरे जिले भर का जन स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी, सर्व कर्मचारी से संबंधित तमाम लोग इसको काम को बंद करेंगे, और तमाम काम बंद होने से जितनी भी जिम्मेवारी बढ़ेगी सारी की सारी एक्शन साहब की बढ़ेगी। अगर एक्शन साहब से तरीके से बात करते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसको प्रदेश स्तर पर भी लेके जाना पड़ा तो पीछे नहीं हटेंगे। तहसीलदार साहब आया, तहसीलदार साहब ने ये कहा है कि एक्शन साहब छुट्टी पे हैं, क्योंकि हम निश्चित तौर पर हमें ये पता है कि भी जब घेराव का बात आई तो एक्शन साहब भागे। तो पंचायत में अगर आदमी सच्चा हो तो बैठ करके बात करे। पहले EPF ESI कटता था, बाद में अब जब से ये नया एक्शन आया तब से EPF ESI काटना बंद कर दिया, जो कि श्रम कानूनों के खिलाफ है। तो इन्हीं बातों को लेकर के कर्मचारियों में भारी रोष है, जिसको लेकर इन्होंने पड़ाव डाला है। तहसीलदार साहब मध्यस्थता करते हुए बातचीत कर रहे हैं, अगर प्रशासन के साथ बातचीत में सहमति बनती है तो ठीक है, अन्यथा इस आंदोलन को लंबा चलाएंगे।